असली मजा ले रहे हो ना पानी का, मजे के मजे ले रहे हो, शिकार भी खेल रहे हो। वैसे छोटा सा तालाब है ये, इसे खुदा हुआ था, इसमें पानी भर गया ना तो बरसात हुई थी, पानी नहीं आया, वही सब मछली पकड़ रहे हैं। देखिए गाइस ये मछली कूद रही है, ये गिरई है, मरल फिश जिसे बोलते हैं, मरल। सो गाइस ये बहुत बड़ा मंदिर है इस गांव का, और यहाँ पे अमावस का मेला लगता है। ये यही साइड में रुको, अंदर, हाँ यही पे रुको, ये देखिए, और यहाँ पे अमावस का मेला बहुत बड़ा लगता है भाई। तो हेलो दोस्तों, आप सबका इस्तकबाल है मेरे न्यू ब्लॉग में। सो गाइस ये गाड़ी है मेरी, और जा रहे हैं बाहर गांव के कुछ नई चीज़ देखने। सो वहां पहुंच के हम देखते हैं, पहले जाएंगे नदी, नदी देखते हैं, अगर नदी में गए अच्छी चीज़ें दिखी तो वहां रुकेंगे, वरना कहीं और आगे निकलेंगे। सो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो गाइस जा रहे हैं हम दूसरे गाँव, और यहाँ से दो ढाई किलोमीटर है, वहाँ ये देखना है, वहाँ तालाब एक बहुत बड़ा है जिसे हम लोग भगार कहते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ भाई उसके अंदर बहुत मछली है, बहुत धांसू धांसू। सो गाइस कल आना है शिकार, तो शिकार खेलने के लिए भाई देखना पड़ेगा, वहाँ का प्लेस देखना है कि क्या मतलब वहाँ लगती है मछली कि नहीं लगती, तो इसीलिए हम जा रहे हैं मछली देखने के लिए। तो आप अपना लैंग्वेज चेंज करते हैं, गाँव वाली भाषा बोलते हैं, ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो भैया दूसरे गाँव जा रहे हैं, जो वहाँ बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ लगती है मछली, एक ग्रेट टाइप की मछली है ना वो, मरल मरल फिश, तो वो बहुत लगते है, और रोहू, कई सारी मछलियाँ जो उसमें बहुत भाई मिल जाएंगे आपको। तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं चल के। सो एंजॉय करिए आप लोग मेरे साथ जर्नी। तो गाइस ये देखिए आ गए हैं, इसको बोलते हैं गणेशपुर, और यहाँ आपको सब चीज़ मिलेगा भाई। ये दूसरे का गांव है, हमारे गांव से थोड़ी दूर है, हमें गाड़ी थोड़ा घुमाना चाहिए। आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, देखो बहुत मज़ा आई, ये देखिए, बस बस यहीं रोक लो, मज़ा आ जाए। भैया पकड़ो पकड़ो मछली, वीडियो बना लो, कोई दिक्कत ना है, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये देखिए मछली पकड़ रहा है भैया, कुछ पकड़े हो थोड़ी बहुत? हाँ भैया थोड़ी बहुत पकड़े हो, और बताओ असली मजा ले रहे हो ना पानी का, मजे के मजे ले रहे हो, शिकार भी खेल रहे हो। वैसे छोटा सा तालाब है ये, इसे खुदा हुआ था, इसमें पानी भर गया ना तो बरसात हुई थी, पानी नहीं आया, वही सब मछली पकड़ रहे हैं। और ये देखिए भैया कितना गजब का है, थोड़ा स्माइल करो, हंसो, ये जिंदा दिल। अम्मा इधर आओ, इधर इधर खेलो, ओके। और एक उधर उधर भैया छोटा सा लड़का, वो भी मार रहा मछली। ये गाँव की लाइफ है भाई, जो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पकड़ रहे मछली है, हाँ भैया, और भगार में ना जा तो खेले, उम्र लागत है कि ना लागत है, बहुत पानी है उससे हो जी ना, डोरी ओरी से चलो इस तरफ से देखते हैं। और ये देखिए ये आपको दिखा दो ना, बम्बू का पेड़ है जिसे बांस बोलते हैं, ज़्यादा बोलोगे बांस कर देंगे, वो वाला बांस। देखिए गाइस ये मछली कूद रही है, ये गिरई है, मरल फिश जिसे बोलते हैं, मरल। अरे ए ए ए ए ये देखिए,
यहाँ पे तालाब, बच्चे लोग शिकार खेल रहे हैं, और यहाँ पे फिश रखी उनकी। ये सिंगल से सिंगल है, ये देखिए है। तो एंजॉय करिए हमारे साथ वीडियो। और ये देखिए बच्चे लोग वो कर रहे हैं, भैया थोड़ा दिखा दे यार तुम भी। तो गाइस ये बहुत बड़ा मंदिर है इस गांव का, और यहाँ पे अमावस का मेला लगता है। ये यही साइड में रुको, अंदर हाँ यही पे रुको। ये देखिए, और यहाँ पे अमावस का मेला बहुत बड़ा लगता है भाई। हाँ बस यही यही रुको, ये देखिए। आओ उधर उधर चला जाए, यहीं खड़ी कर दो। और बाकी मेमनों से आप मिलिए, बकरी। और ये देखिए पीपल का पेड़, इसकी पूजा होती है, परिक्रमा। एक ज़माने में यहाँ आए थे हम काम करने। और ये इसी की बात कर रहे थे, ये कहाँ निकली है भैया? खैरी में, खैरी एक गांव है वहाँ निकली। और दोस्तों ये देखिए फूल इसके निकले हुए हैं। ये यहाँ पे खुशनुमा माहौल है। सो चलिए आगे चलते हैं। और गांव में अगर नदी या तालाब कुछ ऐसी चीज़ है तो उसके किनारे मतलब बच के थोड़ा चलक पड़ा थे। और वो इके लिए कि अगर तनखो चूक्यो के काट दियो, ठीक है। लोग आते हैं पोटी वोटी करते ना, तो बड़ा ख़राब रहा। अभी उतना मतलब जागरूक नहीं हुए हैं लोग, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अब तो सबके घरों में है। तो तब भी बच के चलना चाहिए, बी केयरफुल होके। गाइस आए गए हम बघार के पास, यहीं रुक दो, बंद करो। और हमका यू ना समझ आवा थे हम कौन लैंग्वेज बोली, गांव वाली बोली कि शहर वाली बोली, उर्दू बोले या खड़ी। सो चलिए जो मन दिल से निकलेगा वही बोलेंगे, ठीक है। वैसे उर्दू ही निकल रहा, आप उर्दू में पूरा ब्लॉग बनाएंगे। सो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस देखिए केला ही केला, ये केले के पेड़ लगे हैं, फिर उसमें फल आए हुए हैं ये। और इसको बहुत दूर तक गए थे ढूंढने, है। तो अगर खेती का प्रोसेस जानना हो तो अगर कोई मिल जाता है खेत वाला तो हम बताएंगे। ये देखिए इसमें लगे नहीं है, हैं पक्के हैं नहीं। कपड़ा पता ही नहीं, ये सही है।